नाजरीन, आज मैं आई हूँ नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी कोफ्ते किस तरीके से घर पे बनाए जा सकते हैं। मैंने इसके लिए बीफ ले लिया है, आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं। 2 अदद छोटी प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा पीसने के लिए रख दिया है ताकि कीमे के साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपने कीमा पहले से बना लिया है तो आप प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को पीसकर बाद में इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने खशखाश ले ली है जिसको मैंने धोकर फ्रीज कर दिया था, तो ये भी मैं इसके साथ ही शामिल कर दूँगी ताकि अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। सारे अज्जा को अच्छे तरीके से मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ काले चनों का पाउडर 2 टीस्पून। इससे जब आप कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें एक स्टफनेस आ जाती है। नमक जाएगा हसबे जायका। इसके बाद पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। अब इन तमाम अज्जा को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। याद रहे कि आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ऐसा ना हो कि कुछ मसाले जो हैं वो एक जगह पर जमा हो जाए। आपने अपने हिसाब से कोफ्तों का मटेरियल ले लेना है, जितने बड़े कोफ्ते बनाना चाहें, छोटे बनाना चाहें, इसी हिसाब से आप मटेरियल ले सकते हैं। ये देखिए नाजरीन, यहाँ 15 से 20 कोफ्ते आराम से बनके तैयार हो चुके हैं। अब चलिए देखते हैं हम इसको स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक बॉक्स ले लिया है और यहाँ पे मैं इनको रखना शुरू कर दूँगी। इसकी शेप नहीं ख़राब होती अगर आप इसको सही तरीके से रखें। यहाँ पे आप जो है एल्युमिनियम फाइल रख सकते हैं। अगर एल्युमिनियम फाइल नहीं है तो आप जो है कोई शॉपर ले सकते हैं। और इसको मैंने कट कर लिया है, ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ ताकि आप भी कोफ्तों को घर पर बनाकर आराम से 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकें। इनकी शेप्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आपने इसी तरीके से आराम से सारे कोफ्तों को रख देना है। जब आप निकालेंगे तब भी ये इसी शेप में होंगे। कोफ्ते बनाने से 1 घंटा पहले आपने इसको फ्रीज़र से निकाल लेना है। कोफ्तों की रेसिपी देखने के लिए आप ऊपर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।